वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, माई नेम इज गैरी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे पास एक सिक्योरिटी ऑफिसर आया है जिसकी इंटरव्यू मैंने आज तक अपने YouTube 2 साल में कवर नहीं की थी। और ये लड़का यहाँ पर चाय समोसे खाने के लिए और इसके हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे पूछेंगे कि इसकी जर्नी माल्टा में कैसे सिक्योरिटी गार्ड के, और ये लड़का कहाँ से है, कब घर छोड़कर अपनी कंट्री से गया था, कितना पैसा बनता है, और आप लोग मिडिल क्लास किस तरह इस कंट्री में आ सकते हो जब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, तो गरीब माँ का बेटा कैसे आ सकता है। वेलकम टू माई शो। तो वेलकम टू माय शो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है तुषार, मैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आप यहाँ पर जॉब कौन सी करते हैं? मैं सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता हूँ। कब से हो आप माल्टा में यहाँ पर? मैं आया 2019 पे। 2019 पे आया है। ये फैजल है ना, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, फैजल ये मेरा सबसे एक ऐसा लड़का है, मात्र फैजल है, एक सेकंड के लिए, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मुझे माल्टा में एक एंट्री दी थी एज अ यूट्यूबर, और इसका फर्स्ट वीडियो इतना वायरल, इसके 3 लाख फॉलोअर मेरे व्यूज आ गए थे विद इन 5 डेज। He is my good friend. तो you are my friend also. Faisal उस साइड खड़ा है। तो Faisal is one of my darling. So, अब अगले क्वेश्चन बताइए कि आप यहाँ पर कब आए माल्टा में? मैं 2019 पे आया हूँ। 4 साल हो गए आपको आए हुए? हाँ। माशा, सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं? हाँ। तो आप पहले कहाँ काम कर रहे थे? मैं सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू से आया हूँ। नहीं, दुबई में थे, बांग्लादेश से ही आया। बांग्लादेश से अप्लाई किया। हमारे बांग्लादेश में तो एम्बेसी नहीं है। ओके। और इंडिया से वीजा लेना पड़ता है, और जो BSF में सबमिट किया उधर से मुझे वीजा मिला। ओके, वीजा मिला। आप कहीं स्टॉप करता हूँ, पॉइंट नोट के, लड़का सीधे बांग्लादेश से यहाँ पर है, इसका कोई एक्सपीरियंस था? अगर कोई लड़का चौकीदार की जॉब सिक्योरिटी करता है इंडिया से या पाकिस्तान से, वो भी यहाँ पर आ सकता है? ये लड़का सीधे है, कोई दुबई सऊदी नहीं गया है। 2019 में आपकी सैलरी क्या थी और आज सैलरी क्या है यहाँ पर, कितने घंटे आपकी जॉब? तो बहुत इजी, बैठकर करने वाला काम, क्या जॉब का बताओ? हाँ, क्या है? हमारी सिक्योरिटी जॉब बहुत फ्लेक्सिबल है, इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। जो क्राउड कंट्रोलिंग है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सब कंपनी का, जो आप सबका दायित्व आपका ऊपर निर्भर करता है। तो आपको सिर्फ साइट को सिक्योर करना है, अगर कोई चोरी तो पुलिस को बताना है ना, अपने सुपर को बताना है। हाँ। तो यही जॉब सिक्योरिटी गार्ड की, चेक इन करनी है साइट को। आप साइट पर काम करते हो, मॉल में काम करते हो? मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और सिक्योरिटी भी। अच्छा, सर होटल में हो? हाँ। तो ही वर्क्स इन होटल। पॉइंट नोट किया जैसे साहिबा कि होटल में काम करते, रिसेप्शनिस्ट भी, सिक्योरिटी भी काम करता है। यहाँ पर कपड़े इतने स्मार्ट पहने हुए, ही लुक सो हैंडसम एंड ही लुक सो ग्लैमरस, बिकॉज यहाँ पर लगता है ना आप सिक्योरिटी की जॉब, इवन की लोग टाई भी पहनते हैं सर्दियों में, अभी गर्मी बहुत है, सांस नहीं बेचारे को। देखो पैसा कमाया, फोन कितना बड़ा रखा है, देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड भाई, फोन रखा है, आपको भी फोन मिलेगा ऐसा, सॉरी टू से दैट। तो बता आप कितना पैसा बनता है बांग्लादेश में ओवर टाइम करने के बाद? यहाँ ओवर टाइम करने के बाद सब कुछ मिला के 1400-1500 मिल जाता है, लाइक 1,40,000-50,000। वो भी आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। और कौन सी है? G4S सिग्नल 8, JF। JF की स्पेलिंग बोलोगे? JF, J फॉर जंगल, F फॉर फादर, JF सिक्योरिटी बोले। और सिक्योरिटी सर्विस एक कंपनी है, सिक्योरिटी सर्विस एक कंपनी है। हाँ जी। और करवर है। ओके। और एक है उसका नाम CM, CM प्रॉपर नेम मुझे नहीं पता। CM, पॉइंट नोट किया है, बांग्लादेशी गाय है, एक CM कंपनी भी यहाँ पर है, उस पर भी है जी फॉर, जो भी से नाम बोले आप गूगल पर सर्च करना, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर अपना CV कवर लेटर उनके HR को या उनके करियर पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट भेजना। तो ये कंपनी का नाम हो गया यहाँ पर। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या ये लोग ट्रेनिंग देते हैं जॉब पर, जो सिक्योरिटी की आते हैं, और लाइसेंस कैसे बनता है? हाँ, वो लोग खुद से ट्रेन करते हैं, जो सिक्योरिटी का फॉर्मूला होता है वो लोग बता देता है कंपनी। पहले 2-3 ट्रेनिंग कराता है, हफ्ता 10 दिन तक। इसके बाद आप सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए इतना कोई कुछ नहीं लगता, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, आपका इधर का जो पासपोर्ट, सॉरी TRC कार्ड, टेम्परेरी कार्ड चाहिए, यस, रेसिडेंस कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए।
इधर का पुलिस क्लियरेंस चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है उसमें आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीट करते हैं, आपको पासपोर्ट चाहिए, टीआरसी चाहिए, टीआरसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कोई कोर्स करना पड़ता है छोटा मोटा कोर्स? रिफ्रेश कोर्स करना पड़ता है। कितने दिन का होता है? एक के दो दिन का? दो दिन का। कितनी फीस लगती है माल्टा की रफली? 100 रुपीज। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते होंगे? तो पॉइंट हो गया आपका कोर्स करना, कोई लड़का अनपढ़ भी कर सकता है, एक दो दिन कोर्स होता है आपको यहाँ पर करना पड़ता है, पर ये लोग ट्रेनिंग प्रॉपर देते हैं। सर को यूनिफॉर्म भी कंपनी दी होगी, ट्रेनिंग भी दी होगी ना? कहा ट्रेनिंग यूनिफॉर्म कंपनी देती है? डरना नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर 8-10-12 भी पढ़े हैं आप बिंदास होकर सिक्योरिटी जॉब कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक दो दिन का छोटा कोर्स करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट नियरली 100 यूरो है जो कि 10,000 के बराबर है। तो गाइज ये है सर, ये सर आप जो भी लोग लड़का देख रहे हैं बस ये भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको हौसला नहीं छोड़ने, पर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए, वो मस्ट है, नहीं तो उसके बगैर आप जॉब माल्टा में कोई भी नहीं कर सकते हो। तो गाइज मेक श्योर करना कि आपके नाम पर FIR दर्ज ना हो, आप बिंदास होकर ऐसे माल्टा हो। तो गाइज भी टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, सर ने कंपनी का नाम बताया है और बाकी आपको सिक्योरिटी जॉब कंपनी ढूंढनी है माल्टा पार्क में जा सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर टाइप करें करियर माल्टा में, जॉब प्लस में आपको बहुत सारे, इवन की फेसबुक पर किसी को पैसा मत दीजिए। सर जब आप माल्टा बांग्लादेश से, आपका पैसा कितना लगा सर? अब टिकट दी थी आपने और ये क्या लगा था पैसा तब? मैं तो एजेंसी के थ्रू से, नामक एजेंसी का। हाँ कितने पैसे लगे फ्री बांग्लादेश के? हाँ सो एजेंसी का थ्रू से अप्लाई किया था। कितने एक्चुअली कितने पैसे लगे थे रफली? अच्छा नहीं बताना चाहता। ओके दैट्स फाइन। सो ये भाई साहब 2019 में अपने एजेंसी के थ्रू आए थे, ही डजंट वांट टू डिस्क्लोज हाउ मच ही पे, इसका राइट बनता है वो नहीं बताएंगे, एजेंसी का नाम भी नहीं बताएंगे। पर जो लोग देख अप्लाई करना चाहिए, 2019 की बात और थी, आज तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, आज लोग बहुत आगे हैं, भरा पड़ा इंडिया पाकिस्तान मलय नेपाली यहाँ पर। तो गाइज आप आइए बिंदास जो अप्लाई कीजिए इन साइट्स पर, अगर कोई हेल्प चाहिए वीडियो कमेंट में करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप इंस्टाग्राम पर आकर मेरे लाइव सेशन में फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरी आईडी रियल गैरी कुमार है इंस्टाग्राम पर और गैरी बैकपैकर है, वहां पर दोस्ती में से लाइफ टाइम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बाय बाय बाय।